हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। आज है संडे और ये है अपनी संडे अपडेट की वीडियो। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने गार्डन ओवरव्यू आपके साथ शेयर करूंगा, साथ में कुछ इन्फॉर्मेशंस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी फ्रेंड्स, आने वाली सीज़न है समर सीज़न, तो समर सीज़न से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन अभी लगातार मैं शेयर करता जाऊंगा आपके साथ, ताकि आपका कन्फ्यूजन धीरे धीरे दूर होता जाए, जो भी आपके मन में सवाल है वो सारे सवाल क्लियर होते जाए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई डाउट हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाना चाहता हूं तो मैं बना सकता हूं। तो आप इतना कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई नहीं देता हूं, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो आप अगर आप कोई भी आपके मन में क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, या तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, तो आपके बहुत सारे क्वेरीज़ सॉल्व हो जाएंगे। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं अपने गार्डन ओवरव्यू थोड़ा सा दिखा देता हूँ। थोड़ा थोड़ा फ्रेंड्स, मैंने चेंजेस अभी फिर से गार्डन में स्टार्ट किया है। यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारे जितने भी प्लांट्स देख रहे हैं नीचे, ये सारे स्पाइडर प्लांट्स हैं। स्पाइडर प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो समर सीजन में आपके यहाँ बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेंगे। वैसे तो ये 12 महीने ग्रोथ करते हैं, नॉन स्टॉप ग्रो करते हैं, लेकिन इसकी जो बेस्ट ग्रोइंग सीजन होती है वो है गर्मियों की सीज़न। और इनको फ्रेंड्स सेमी शेड, सेमी सनलाइट वाला लोकेशन पसंद होता है। पूरे दिन की अगर धूप इनके ऊपर पड़ती रहेगी तो बाद में इसके लीव्स जल जाएंगे, लेकिन फिर भी ये ग्रोथ अपनी कंटिन्यू करेंगे, नॉन स्टॉप ग्रोथ करते रहेंगे और अपने सकर्स निकाल दे जाएंगे। और ये प्लांट आप अपने आप ही मल्टीप्लाई इजीली कर सकते हो, यानी कि फ्री में चलने वाला प्लांट है। एक बार आप इसको लेके आ जाओगे तो अपने आप ही ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे और आपके पूरे गार्डन में ये फैल जाएंगे। तो अभी मेरा फोकस यही है कि ये जितने भी स्पाइडर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, ये स्पाइडर प्लांट्स को मैं अपने गार्डन में फैलाता जाऊँ। जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, मैंने स्पाइडर प्लांट्स की पूरी बॉर्डर बना दी है पॉट्स के आगे, तो सेम तरीके से फ्रेंड्स मैं यहाँ पे भी स्पाइडर प्लांट्स की पूरी बॉर्डर बनाने वाला हूँ। यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे मैंने सकर्स लगा दिए हैं पॉट में, जो अबाउट 2 महीने के अंदर अंदर ही फ्रेंड्स ये पूरे फैल जाएंगे। कुछ ये हिसाब से आपका पूरा लुक आना स्टार्ट हो जाएगा। बस 2 महीने का सवाल है, 2 महीने के बाद ये पूरे पॉट को कवर कर लेंगे। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड्स, ये चीज़ पूरे मैंने अपने गार्डन के बॉर्डर में मैंने बनाना डिसाइड किया है। जैसे कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये जो पूरा एरिया है यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और आगे ये चीज़ चलती जाएगी। देखिए कुछ ये हिसाब से फ्रेंड्स मैंने अपने गार्डन में ये स्पाइडर प्लांट्स की बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स सकर्स इसके बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ये प्लांट सकर्स प्रोड्यूस करता जाएगा, वैसे वैसे फ्रेंड्स मैं पूरे गार्डन में ये पॉट्स बॉर्डर में लगाता जाऊँगा, तो एक टाइप का हेज जैसा बन जाएगा मेरे गार्डन में स्पाइडर प्लांट का। तो ये बहुत ही अच्छा लुक देगा। तो ये वन ऑफ द बहुत ही चीप और इफ़ेक्टिव प्लांट है, जो आप आराम से लगा सकते हो। ज़्यादा खर्चा भी नहीं मांगते, ज़्यादा केयर भी नहीं मांगते, ज़्यादा फर्टिलाइज़र भी नहीं मांगते, सिंपल पानी में ये आराम से ग्रो हो जाएंगे। तो ये चीज़ मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ये समर सीज़न में ये प्लांट आप कंसिडर कर सकते हो अपने गार्डन में ब्यूटी बढ़ाने के लिए। अब बात आएगी फ्रेंड्स के समर सीज़न में जब भी हम प्लांट्स परचेज करते हैं तो हम नर्सरी जाते हैं। नर्सरी जाते ही फ्रेंड्स हमारा दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि इतने सारे पौधे हम देख लेते हैं, हमें पता नहीं चलता कि कौन से पौधे हम ले, कौन से पौधे नहीं ले। यही कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं नर्सरी जाने से पहले, आपके माइंड में बिठा देना है कि आपको कौन से टाइप के प्लांट्स लेने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स आपको ये देखना है कि आपके घर में लोकेशन, जो भी आपका जो लोकेशन है, घर हो, बालकनी हो या तो टेरेस गार्डन हो, वहाँ पे सनलाइट कितनी आती है। सनलाइट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कोई भी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। अगर सनलाइट ठीक से मिलेगी तो वो हिसाब के ही पौधे आपको लाने हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ सनलाइट ठीक से नहीं आती है, 1-2 घंटे की सनलाइट आ जाती है, मे बी दोपहर या तो शाम या तो दिन की सनलाइट मे बी 1-2 घंटे की आ जाती है, तो बाद में ज़्यादा फ्लावरिंग्स वाले प्लांट पे मत जाइए। और अगर आपको फ्लावरिंग्स वाले प्लांट लेने हो तो बाद में ऐसे फ्लावरिंग्स वाले प्लांट लो जो लो सनलाइट में भी आपको फ्लावरिंग्स दे पाएंगे। तो उसके ऊपर एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आएगी मेरी, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि लो सनलाइट में कौन से प्लांट्स हम ला सकते हैं। ये वीडियो मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो मेरी अलग आएगी। लेकिन एक रफ आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके यहाँ सनलाइट ठीक से नहीं आती है तो बाद में आपको अपने प्लांट्स में, आपको अपने गार्डन में या तो बालकनी में
इंडोर प्लांट्स का कलेक्शन बढ़ाना है। इंडोर प्लांट्स भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट्स होते हैं, कलरफुल पत्ते होते हैं इनके, और ये अगर आप सही ढंग से अगर आपने अपने गार्डन में प्लेस करोगे तो इसकी ब्यूटी बहुत ही ज़्यादा निखर के आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्लावरिंग्स वाले प्लांट ही हमें लेने हैं, हर एक प्लांट अपने आप में ही एक ब्यूटीफुल प्लांट होता है। तो बस आपको अपने गार्डन में वो प्लांट को सही ढंग से बिठाना है। तो सनलाइट पहला प्रेफरेंस है, तो सनलाइट देख के आप प्लांट लीजिए। ऐसा नहीं है कोई भी प्लांट आप उठा के ले आए, सनलाइट नहीं मिलेगी तो प्लांट आपको रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो इंडोर प्लांट्स आप सिलेक्ट कर सकते हो अगर लो सनलाइट हो। अगर आपके पास सनलाइट बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में आ रही है आपके गार्डन में तो बाद में आप फ्लावरिंग्स वाले प्लांट सिलेक्ट कर सकते हो। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि आपके पास टाइम कितना है प्लांट को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट है और आज के टाइम में लोगों के पास टाइम की कमी होती है गार्डन को मेंटेन करने के लिए, उनको ठीक से वक्त नहीं मिलता। तो ऐसे में फ्रेंड्स हमें ऐसे प्लांट सिलेक्ट करने हैं जो लो मेंटेनेंस हो, ज़्यादा केयर नहीं मांगते हो और ज़्यादा उनको फर्टिलाइज़र या तो इंसेक्टिसाइड वगैरह स्प्रे नहीं करना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप रोज़ जैसे प्लांट लेके आ जाते हो तो रोजेस को सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, इनको डेली शावरिंग करनी होती है, फर्टिलाइजर्स इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, सॉइल का पीएच मेंटेन करना पड़ता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रोजेस में आपको ध्यान रखनी पड़ती है। उसके सामने फ्रेंड्स कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि मॉर्निंग ग्लोरी का मैं बता देता हूँ। मॉर्निंग ग्लोरी एक ऐसे प्लांट है जिसको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, एक ही चीज़ फ्रेंड्स मॉर्निंग ग्लोरी में आपको करनी है वो है बहुत ही अच्छी वाटरिंग करनी है और हफ्ते में एक आध बार इसको इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लेना है। रात के वक्त करोगे तो भी चलेगा, अर्ली मॉर्निंग करोगे तो भी चलेगा। तो ये दो बेसिक चीज़ें हैं मॉर्निंग ग्लोरी में जो आप ये प्लांट को कंसिडर कर सकते हो, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है। बाद में दूसरे जो लो मेंटेनेंस वाले प्लांट है हमारे जास्मिन वैरायटी के, जैसे कि डबल पेटल चांदनी वाला प्लांट है। बाद में हमारे इग्जोरा है, ये कुछ ऐसे लो मेंटेनेंस प्लांट है, अपराजिता है। तो उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, फ्रीक्वेंटली फ्रेंड्स इंसेक्टिसाइड वगैरह भी ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने ये प्लांट को लगा दिया सही पॉटिंग सॉइल बना के तो बाद में ये जो प्लांट है वो आपको ब्लूम्स देते रहेंगे। सनलाइट इनको मैक्सिमम चाहिए तो सनलाइट का पूरा ध्यान देना है। तो आपके टाइम के अकॉर्डिंग आप प्लांट ले सकते हो। और इंडोर प्लांट्स जो होते हैं, इंडोर प्लांट्स भी बहुत ही कम टाइम पूछते हैं, उनको भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। एक बार आपने अच्छी पॉटिंग मिक्स में इसको लगा दिया तो ये जो प्लांट है ये ग्रो होते रहेंगे। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, वो है आपकी वाटरिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आप किस हिसाब से अपने प्लांट को पानी देते हो। देखिए पानी देने का स्टाइल जो भी होता है हर एक आदमी का अलग अलग होता है। कोई खास करके मैं न्यू गार्डनर्स की बात कर देता हूँ, न्यू गार्डनर्स को पानी देने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, वो ठीक से पानी नहीं दे पाते, या तो ओवर वाटरिंग हो जाती है या तो लो वाटरिंग हो जाती है। ये केस मैंने बहुत सारे न्यू गार्डनर्स में देखा है कि वाटरिंग के मामले में वो गड़बड़ कर ही लेते हैं, या तो पानी नहीं देते तो बहुत ही कम पानी दे देते हैं। तो ऐसा फ्रेंड्स अगर आप में है, अगर आपको लगता है कि आप वाटरिंग के मामले में थोड़ा सा वीक हो, तो बाद में आप ऐसे प्लांट सिलेक्ट करिए जो इजीली रूट रॉट से नहीं मरते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसे प्लांट्स आपको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे प्लांट्स में फ्रेंड्स मैं आपको सजेस्ट करूँगा मैरीगोल्ड्स। मैरीगोल्ड्स एक ऐसे प्लांट है जिसको लो वाटरिंग से वो बिल्कुल, जो अगर आप ओवर वाटरिंग भी कर देते हैं लेकिन पानी ड्रेन आउट हो जाता है, वेट और मॉइस्ट सॉइल में भी अगर आप इसको पानी दे देते हो तो ये प्लांट इजीली नहीं मरेंगे। दूसरा गार्डेनिया है, गार्डेनिया भी रूट रॉट की वजह से इजीली नहीं मरता है। तीसरा जो प्लांट्स है वो है अपना मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट भी फ्रेंड्स ओवर वाटरिंग की वजह से इजीली नहीं मरता है। तो ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये कुछ ऐसे प्लांट्स है जिसके अभी मैंने आपको एग्जांपल में नाम दिए हैं। अगर आपने इसके अंदर पानी ज़्यादा भी दे दिया तो ये प्लांट इजीली रूट रॉट की वजह से नहीं मरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर रूट रॉट क्रिएट होगा ही नहीं। रूट रॉट तो क्रिएट होगा लेकिन आपको वक्त मिल जाएगा प्लांट को सर्वाइव कराने में, आपको एक टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि प्लांट के अंदर वाटरिंग कैसे करनी है। ये आपको एक टाइप का आदत हो जाएगी और आप ये चीज़ समझना स्टार्ट कर दोगे कि वाटरिंग किस हिसाब से हमें करनी होती है। तो अगर आप न्यू गार्डनर हो और अगर आपको वाटरिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो ये प्लांट ऐसे कुछ सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर पूरी एक अलग वीडियो बने कि जिसके अंदर मैं पानी अगर ज़्यादा भी देता हूँ तो भी
प्लांट इजीली नहीं मरेगा, तो बाद में वो एक डेडिकेटेड वीडियो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अब चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान देना है कि प्लांट की साइज़ कितनी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, हम प्लांट तो सिलेक्ट कर देते हैं लेकिन प्लांट की साइज़ को हम नहीं देखते। जैसे ही नर्सरी जाते, कोई भी खूबसूरत प्लांट दिखा, हम उसको परचेज कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ स्पेस कितनी है वो भी हमें देखनी है। अगर आपके यहाँ बड़ा सा गार्डन हो, टेरेस गार्डन हो, तो आप मीडियम साइज़ के प्लांट्स ले सकते हो जिसकी हाइट 4 से 5 फीट के आसपास हो। लेकिन अगर आपके पास लॉन हो, जहाँ पे ग्राउंड हो और बहुत ही बड़ा लॉन हो, तो वहाँ पे आप बड़े बड़े प्लांट्स भी ले सकते हो। लेकिन अगर आपके पास छोटी सी बालकनी हो, तो बालकनी के अकॉर्डिंग आपको प्लांट लेने हैं। ड्वार्फ वेराइटी के प्लांट्स लीजिए, जैसे कि ड्वार्फ हाइबिस्कस हुए, बाद में जो भी छोटे छोटे जो 1.5 फुट या तो 2 फुट के आसपास जो प्लांट की हाइट रहती है, ऐसे प्लांट सिलेक्ट करिए। ये सिलेक्शन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बड़ा प्लांट लेके आ जाते हो छोटी बालकनी में, तो प्लांट कुछ हद तक बड़ा होगा, बाद में उसको स्पेस चाहिए और ज़्यादा फैलने के लिए, और अगर वो स्पेस उसको नहीं मिलेगी तो फाइनली वो प्लांट आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा, फ्लावरिंग्स भी नहीं दे पाएगा और प्लांट अल्टीमेटली मर जाएगा। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है कि जब भी आप अपने नर्सरी में प्लांट सिलेक्ट करने जाते हो, आप एक सही साइज़ का, सही हाइट का प्लांट सिलेक्ट करिए, ताकि आपको पता चले कि आपकी बालकनी में ये प्लांट ठीक से सूट हो पाएगा। ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप देख के नर्सरी में प्लांट्स लेने जाइए, और जब भी नर्सरी में प्लांट्स लेने जाते हो फ्रेंड्स, तो हमेशा एक लिस्ट बना के जाइए। ये सारे पॉइंट्स कंसिडर करके आप एक लिस्ट बना दीजिए, लिस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको प्लांट्स सिलेक्ट करने हैं। आप एक बार फिर ऐसे ही कोई भी नर्सरी में विजिट भी कर लीजिए, नर्सरी में विजिट कर लीजिए एक बार, वहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए कि कौन कौन से प्लांट्स वहाँ पे मिलते हैं, और आपके लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे प्लांट्स परचेज करने हैं। तो ये कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो अभी मैंने आपके साथ शेयर की, और अभी जो आने वाला वीक है, आने वाले वीक से फ्रेंड्स मैं अपने जो भी समर प्लांट्स है, समर प्लांट्स को रेडी करना स्टार्ट कर दूंगा, उनको फर्टिलाइजर देना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन हुआ प्लांट से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।